हमारी एपिसोड की शुरुआत में चौथरों कुछ हर्दियों के बीच अभी तक गजब किस्म का कंपैरिजन जारी होता, जिसमें देखते ही देखते दोनों के दोनों हवा में उड़ने लगते, जिसके चलते ही दियो का स्टैंड द वर्ल्ड डार्क लिंटम पे भारी पड़ जाता। ये देख के दियो काफी खुशी से कहने लगता, मुझे तो पता था द वर्ल्ड की स्पीड पावर हमारे गुदगुदे स्टार प्लेंडम से बढ़ गया है। बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें एक ही वार से खत्म कर डालूंगा। मगर इसके बावजूद भी जोतरो कुजो चिल्लाते हुए दियो पे वार करने के लिए आगे बढ़ने लगता। फिर तभी दियो कहता है, मैंने जो कि जोनाथन जो स्टार से एक वादा किया था, मैं कभी भी किसी भी जो स्टार पे रहम नहीं करूंगा। द वर्ल्ड की दमदार पावर तुम सब जोजोस का खात्मा कर डालेगी। सब कुछ कहने के बाद दियो सब वर्ल्ड चिल्लाता और इसके चिल्लाते ही पूरा का पूरा वक्त रुक जाता। अब इसके चलते ही दियो जोतरो जो स्टार को जैसे ही खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है कि एन मौके पे ही जोतरो की दियो के टाइमलाइन में भी फिंगर हिलने लगती, जो देख के दियो के पैरों तले जमीन खिसक जाती। सिर्फ एक बार बल्कि जोतरो कुजो की बार बार उंगली हिलती रह रही होती। देखते ही दौरान से दियो पीछे हट जाता। पीछे हटते खुद से बातें करते हुए कहता है, ये तो नामुमकिन है, आखिर वो कैसे हिल पा रहा है। इसे यूं मुसलसल हिलता देख के दियो ये सोचने पे मजबूर हो जाता कि द वर्ल्ड और स्टार प्लेंटियम एक ही तरह के स्टैंड है। इसके चलते ही उसे जोतरो कुजो की भी ये बात याद आती, इसमें जोतरो जो स्टार ने कहा होता कि द वर्ल्ड और स्टार प्लेंटियम एक ही टाइप के स्टैंड है। ये सोचते हुए वो जोतरो कुजो से कहता है, जोतरो क्या तुम मुझे देख पा रहे हो या फिर बेहोशी की हालत में ही तुम अपना हाथ हिला रहे हो। इसी बीच में दियो अपने वक्त रुकाने की लिमिट पे आ जाता। वक्त शुरू होते ही स्टार प्लेंटियम हवा में कुछ वार करता और तब तक दियो उसके पीछे होता। इसके बाद दियो जोतरो कुजो से मुखातिब होके है, जोतरो क्या तुम मुझे देख पा रहे हो। इसका जोतरो कोई जवाब ना देता। फिर तभी दियो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता, क्या तुम मुझे देख पा रहे हो या नहीं। यूं चिल्लाता देख के जोतरो काफी कामली से उसका जवाब देता, देख पा रहे हो आखिर क्या। ये कहने के बाद जोतरो उड़ते हुए बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगता, जो कि उसका पीछा दियो भी करने लगता। उसका पीछा करते हुए कहता, अगर वाकई में तुम्हारा स्टैंड और मेरा स्टैंड एक ही जैसा है तो साबित करके दिखाओ। इसके चलते ही दियो को याद आता कि 6 महीने हो चुके हैं जब उसने सबसे पहली बार वक्र रोका था। उसे याद आता कि उसने अपने सर्वेंट को शॉटगन से अपनी तरफ शूट करने का ऑर्डर दिया था। इसके चलते ही उसके शूट करते ही दियो एक ही सेकंड के लिए वक्र को रुका पाया था। शुरू में दियो ने समझा था कि ये सब कुछ उसका वहम है, नहीं, जैसे जैसे उसने देखा सब कुछ रुका हुआ है और उसका स्टैंड दौरान हिल सकता था। ना कि सिर्फ इतना बल्कि उन बुलेट्स को पकड़ भी सकता था। याबा ने उसे यकीन दिलाया था कि इस दुनिया में तुम ही हो जो इस दुनिया पे हुकूमत कर सकते हो। इस बात को यकीनी बनाओ कि वक्त रोकना तुम्हारे लिए बिल्कुल सांस लेना जैसा है। और एक दिन बिल्कुल ऐसा ही हुआ, दियो वक्त पे भारी पड़ गया। अब दियो 5 सेकंड के लिए वक्त रोक सकता है। दियो कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है और भी पहले से भी ज्यादा वक्त पे भारी पड़ता चला जाऊंगा। इसी दौरान दियो जो से मुखातिब होके कहता है, फिर मुझे दिखाओ आखिर तुम्हारा स्टैंड कितना पावरफुल है। इसके बाद दियो दोबारा से सब वर्ल्ड चलाता और उसके चिल्लाते ही वक्त रुक जाता। दियो जैसे जैसे जोतरो के करीब आ रहा होता, वैसे वैसे ही जोतरो का हाथ भी हिलना शुरू हो रहा होता। दियो जैसे जोतरो के करीब पहुंचता है तो वो अपना हाथ जोतरो के करीब बढ़ाता, जिसके चलते ही जोतरो का भी हाथ हिलने लगता। ये देख के दियो जोर जोर से हंसने लगता कि दियो को पता चल गया होता उसका हाथ इसलिए हिल रहा है, इसने मेरे हाथ पे और अपने हाथ पे मैग्नेट लगाया हुआ है। वजह से दियो जैसे ही जोतरो के करीब अपना हाथ बढ़ाता है तो जोतरो का भी हाथ हिलने लगता है। जान के दियो को काफी खुशी होती और उसकी जान में जान आती है। अब इसी खुशी में सब वर्ल्ड का यूज करते हुए जोतरो की जान लेने को जा रहा था। एंड मौके भी जोतरो का हाथ तो क्या बल्कि पूरा जोतरो हिलने लगता। स्टार प्लेंडम का यूज करते हुए वर्ल्ड पे इतना दमदार पंच मारता कि वो पंच उसके आर पार हो जाता। बस जोतरो दियो की टाइमलाइन में सिर्फ एक ही सेकंड हिल पाया होता। इसके बाद जोतरो दियो की टाइमलाइन में वापस फ्रीज हो जाता। उसे यूं वार करता देख के दियो ये कहने पे मजबूर हो जाता, वाकई में हिल सकता था और मैग्नेट तो उसने इसलिए लगाया हुआ था कि वो मुझे बेवकूफ बना पाए। मौका पे चौका लगा पाया। अब जैसे ही टाइम रिज्यूम होता है, दियो सीधा उड़ के जाके शीशा तोड़ते हुए सीधा बिल्डिंग में जा पटकता। बीच में एक शीशा उसकी टांग को भी काट डालता। बिल्डिंग में वहाँ पे एक लड़की भी होती है। दियो कहता है कि मेरी टांग ला के मुझे पकड़ाओ। जैसे जोतरो नीचे आता है तब तक दियो उस लड़की का खून पी के ठीक भी हो गया होता। उस पे जोतरो कहता है, ठीक है अगली बार फिर मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ाऊंगा। इसी तरह दियो वक्त को रुकाते हुए जोतरो कुजो के पीछे आ जाता, लेकिन इसके बावजूद भी जो स्टार की नजरे दियो पे ही होती है। कुछ ही एपिसोड पहले दियो
काकुइन का मजाक उड़ा रहा था। इससे क्या फर्क पड़ता है कि काकुइन ने मेरी एबिलिटी के बारे में जान लिया है, पर अब वो ये कहने पे मजबूर हो जाता। काकुइन की वजह से ये पता चला कि मैं वक्त रुका सकता हूँ। इसी तरह तुमने खुद भी वक्त रुकाना सीख लिया, जिसके चलते ही दियो बांदर की तरह वक्त रुकाते हुए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे आ जाता और आते ही कहने लगता कि तुम भी वक्त में हिल पा रहे हो। यही मुझे सोचने पे मजबूर करती है कि आखिर तुम कितनी देर तक जिस वक्त समय रुका होगा, 2 सेकंड, 3 सेकंड या फिर मेरी तरह ही 5 सेकंड तक हिल सक रहे हो, फिर तुम ये जाहिर नहीं होने दे रहे कि मौका मिलते ही एक दमदार वार कर सको। जो सुन के चोतरो दिल ही दिल में कहने लगता, जरूर मैं प्रैक्टिस करके आगे वक्त में ज्यादा देर हिल पाऊंगा, बिना प्रैक्टिस के तो मैं सिर्फ 1 ही सेकंड तक हिल सकता हूँ। फिलहाल दियो ने भी दिमाग में यही रखा हुआ है कि वो सिर्फ 1 ही सेकंड तक हिल सकता है। जरूर ये बात तो सच है, करें सबसे बढ़ के पागल ही तुम्हारे करीब जाएगा। यही वजह से दियो अपनी नाइफ्स बाहर निकाल लेता कि वो बिना करीब जाए बगैर स्टार प्लैटिनम की रेंज में आए बगैर लुका के जोतरो का काम तमाम कर सके। यही वजह से जोतरो दोबारा से उड़ने लगता, लेकिन इससे पहले वो ज्यादा दूर जा पाए वो सवाल चलाता और उसके चिल्लाते ही दोबारा से वक्त रुक जाता। वक्त के रुकते ही वो सवाल का यूज करते हुए चोतरों की तरफ काफी तादाद में नाइफ्स फेंकता। इसी तरह वो नाइफ्स फेंकता जा रहा होता और जब 3 सेकंड रह भी गए होते तभी दियो उसकी तरफ नाइफ फेंकी जा रहा होता। इसी बीच में हम देखते हैं स्टार प्लैटिनम नाइफ को तो हटा डालता, बस बदकिस्मती से वो 1 ही सेकंड में कुछ ही नाइफ को हटा पाता, फिर वो दोबारा से वक्त में फ्रीज हो जाता। दियो को ये तो पता चल ही जाता चोतरो 1 सेकंड तक ही हिल सकता है, ज्यादा देर तक वो हिल सकता तो वो जरूर अपनी जान बचा लेता। अब जैसे जैसे वक्त रिज्यूम होता है तो जोतरो अपने स्टार प्लैटिनम का यूज करके नाइफ को तो हटा देता, अगर कुछ उसे लग जाती। आखिर में भी दियो एक और नाइफ फेंकता जो कि सीधा जोतरो के सर पे जाके लगती। सबके बाद बस जोतरो नीचे गिरने को जा रहा था। दौरान दियो कहता है, मुझे काफी खुशी हुई, मैंने तुम जैसे को काफी जल्दी उड़ा डाला, वैसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सारे लोगों में तुम ही होगे जो मेरे द वर्ल्ड पे बाड़ी पड़ पाओगे। ऐसी सूरत हाल में भी जोतरो अपना फेवरेट डायलॉग मारता, यारे यारे। इन सब में हमें दिखाया जाता है जोतरो ने अपने यूनिफॉर्म को मैगजीन से भर दिया होता, वजह से सिर्फ कुछ ही नाइफ्स ने उसे डैमेज दिया। तक जोतरो ने अपनी टोपी के नीचे भी मैगजीन्स रखी होती। सबके बाद दियो जैसे नीचे उतरता है तो उसे लग रहा होता है कहीं जोतरो मरने का नाटक न कर रहा हो, वजह से वो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड से जोतरो के दिमाग को कुचलने जा रहा होता। इससे पहले वो जोतरो का दिमाग वाकई में कुचल देता। दौरान से पीछे से अपना सिल्वर चैरेट का यूज करते हुए उसके पीछे से एक दमदार वार करता, लेकिन जैसे कि दियो इमोर्टल है तो वो जवाल मार के वनरिफ को एक दमदार पंच मारता और वक्त रिज्यूम होते ही वनरिफ सीधे जाके बिल्डिंग से पटक जाता। यो तो जरूर इमोर्टल है, अभी तक जोनाथन जोस्टार की बॉडी उसे रिजेक्ट करती है। इसका मतलब अगर जरूर ज्यादा फोर्स लगाई जाए तो दियो डैमेज ले सकता है। इसी में हम दियो वनरिफ का काम तमाम करने के लिए आगे बढ़ने लगता। यूं वनरिफ की तरफ बढ़ता देख के जोतरो अपने दिली दिल में कहने लगता, तो आखिरी लम्हे तक करने की एक्टिंग करनी थी और मौका के मिलते ही एक दमदार वार करना था, लेकिन अब तो दियो पनरिफ की जान लेने को जा रहा है। मैंने जल्दी कुछ ना किया तो पनरिफ तो वाकई में मर जाएगा। अब दियो जैसे ही पनरिफ का काम तमाम करने को जा रहा होता, इसी में जोतरो की तरफ से कोई हलचल होती जिस पे दियो सारे के सारे काम छोड़ के जोतरो की तरफ आके बैठ जाता। अगर फिर तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर भी आ जाते, सीधा दियो की तरफ अपनी गन तारने लगते। इसी लम्हे में दियो एक तो बड़ी आसानी से सुलह डालता, दूसरे ऑफिसर को मजबूर करता कि वो जोतरो की तरफ शूट करे ताकि दियो ये जान पाए कि जोतरो जिंदा भी है या फिर मरा हुआ। लेकिन शूट करने के बावजूद भी जोतरो में कोई हलचल ना होती। उसकी वजह, जैसे ही बुलेट जोतरो की जैकेट में एंटर हुई थी, जोतरो ने अपने स्टार प्लैटिनम का यूज करते हुए उस बुलेट को पकड़ लिया था। खैर जोतरो को शूट करने के बावजूद भी दियो को अभी तक तसल्ली ना हुई होती। दियो उसकी सांस की आवाजें सुनने लगता, जोतरो भी अपनी सांस को रोक लेता, जिसके बाद दियो उसकी जैसी हार्ट बीट को सुनने को जा रहा होता। तो जोतरो अपने स्टार प्लैटिनम का यूज करते हुए अपने हार्ट को ही रुकाने की कोशिश करने लगता। इसी बीच में हमें दिखाया जाता है जोतरो बस बेहोश होने को ही जा रहा होता है। इसी बीच में जोतरो कहता है, अगर मैं अपने स्टैंड किया तो यहाँ पे मारा गया, फिर ये सारी की सारी कुर्बानियां बेकार में जाएगी। यार अब तक दियो को भी तसल्ली हो ही जाती, लेकिन सबके बावजूद भी दियो जोतरो की खोपड़ी उड़ाने को जा रहा था। इसी में हमें दिखाया जाता है जोतरो बस ब्लैकआउट होने को ही जा रहा था, अपने स्टार प्लैटिनम का यूज करके अपने दिल को पंपिंग करने लगता। अब दियो जैसे जोतरो पे वार करता है, तुरंत से इसी मौके में जोतरो अपना स्टार प्लैटिनम निकाल के दियो के दिमाग पे कितना दमदार वार करता है, उसका पूरा का पूरा ब्रेन डैमेज हो जाता, सीधा जाके दूसरी ओर पटक जाता।
अब दियो जैसे उठने की कोशिश करता है, ब्रेन डैमेज होने की वजह से उसकी लेग्स पैरालाइज हो जाती है, वजह से वो उठ भी ना पाता। दियो पास ही बाल्टी उठा के गाड़ी में से पेट्रोल निकाल होता ताकि वो दियो पे आग लगा सके, क्योंकि जोतरो बस यही करता, वो दियो की तरफ बढ़ता, उस पे पेट्रोल फेंक डालता, बस वो आग लगाने कोई जा रहा होता कि पीछे से एक गाड़ी गुजरती, टाइम को रुका डालता, सीटियां मारते हुए गाड़ी को जा पकड़ता। जैसे ही वक्त दोबारा से रेज्यूम होता है, दियो गाड़ी के साथ ही आगे बढ़ने लगता। जोतरो ने भी कोई कच्ची गोलियां ना खेल रखी होती, दियो की फेंकी हुई नाइफ को गाड़ी के टायर की तरफ फेंकता, जिससे वो गाड़ी पूरी क्रैश कर जाती। अब दियो के पास कोई जगह ना बची होती सिवाय गटर से भागने की। जैसे जैसे वो गटर का ढकना खोलता है, वो गटर में जोतरो को पाता। जोतरो गटर में से निकलते ही उस पे उड़ा उड़ा करते हुए मारने लगता और उसे सीधा उड़ा के फेंक डालता। खैर जोतरो यहाँ पे एक गलती कर डालता, सीधा उड़ के उसके ग्रैंड फादर की तरफ गिरता। जैसे की दियो को पूरे तरीके से इमोर्टल बनने के लिए जो स्टार का खून पीना है तो वो उसके दादा का ही खून पी लेता। अब यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती। वीडियो पसंद आए तो लाइक 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 करो, अगर पहले से नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ मूवी रैंक्स को भी सब्सक्राइब करो। अरे कर दो ना।